निर्मल जल सा मन है जिनका, चंदन से है देव वचन, अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन, नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसुविधि करते धूप दहन, ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन, अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है, एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है, ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूजक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय हो। 3,09,00,00 मुनिराजों की जय हो। पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, धर्म स्नेही पवात्माओं, हमारे आचार्य भगवंतों ने हम सबके लिए एक व्यापक सूत्र दिया है, और वह क्या है? परस्परोपग्रहो जीवाना। परस्पर में एक जीव दूसरे जीव का किसी न किसी रूप में वह उपकार करता रहता है। हम भूल जाते हैं, उनका लाभ तो हम पूरा उठा लेते हैं, अनादि काल से हम लाभ उठाते आ रहे हैं कि कितना बड़ा उनका उपकार हमारे ऊपर होता है, इतना बड़ा उपकार होता है कि वो हमारे लिए पूरा का पूरा जीवन ही दान करने वाले होते हैं। धन की तो बात एक तरफ रख दो, अगर आपके लिए ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा, जल ना मिले क्या होगा, पृथ्वी नहीं मिले तो कितनी महंगी होती जा रही है ये भूमि। आप लोग सब समझते हैं, इंदौर वासी जहां एक कॉलोनी बनी और 3 लोग के नाथ अगर वहां आके बैठ गए तो फिर कहना ही क्या होता है। लेकिन ये सब आपके लिए सब सहयोग करने वाले हैं, परोपकार करने वाले हैं, इसलिए हमारा जो धर्म है वह अनेकांत धर्म है। कुछ ऐसे होते हैं जो मात्र एक अद्वैत धर्म को मानने वाले होते हैं, एक मात्र कोई है तो वह ब्रह्मा है, दूसरा और कोई नहीं है, तो दूसरा वहां पर खड़ा हो जाता है, हम द्वैत वाले हैं, हम तो दो को मानते हैं। ऐसे अनेक मान्यता रखने वाले इस संसार में हैं और आपस में विवाद करते रहते हैं, लेकिन अनेकांत धर्म ऐसा धर्म है जो कहता है हाँ, एक वाले जो अद्वैत माने, अद्वैत का अर्थ होता है एक, जहां दो नहीं वहां एक होता है, लेकिन दो के बिना एक की कोई
महत्ता नहीं, दो का निषेध किया मतलब दो भी है। जहाँ आप किसी वस्तु का निषेध कर रहे हो तो वहाँ वो वस्तु है, और एक के बिना दो नहीं और दो के बिना एक का महत्व नहीं होता। तो अनेकांत धर्म कहता है हाँ आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, और एक और दो को मिला देता है तो तीन बन जाता है। और हमारे आचार्य भगवान कहते हैं यह तीन का अंक रत्नात्रय का प्रतीक है, और रत्नात्रय धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है जो सभी प्राणी का हित करने वाला है। चाहे अद्वैत के मानने वाले हों चाहे द्वैत के मानने वाले हों, सबका उद्देश्य क्या है? तो सर्व का उद्देश्य एक ही है, इन कर्मों से छुटकारा पाने का है। क्योंकि चाहे छोटा प्राणी हो चाहे बड़ा प्राणी हो, सभी कर्मों से बंधे हुए हैं। इसलिए जैन धर्म अनेकांत धर्म कहता है कि सब जीवों को एक समान आप देखिए। कैसे देखें एक समान? चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे मंझला हो, सब कर्मों से बंधे हुए हैं। और इस प्रकार की भावना रखो कि ये सारे जीव कर्मों से छूट जाएं और सही सही सुख को प्राप्त कर लें। इसलिए तीन की समष्टि का नाम रत्नात्रय होता है, और अगर इनको अलग अलग में देखा जाए तो सम्यक दर्शन को अलग रख दो तो एक अद्वैत हो गया। सम्यक दर्शन क्या हो गया? अद्वैत है, अकेला है। लेकिन अकेला जो होता है वह सही सही उस जो मार्ग है या जो मंजिल है उसको प्राप्त नहीं कर पाता। तो द्वैत जो है वह सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। अद्वैत अकेला कौन है? सम्यक दर्शन। और द्वैत क्या है? सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और ये अगर दोनों मिल जाते हैं द्वैत और अद्वैत तो वहाँ पर रत्नात्रय धर्म प्रकट हो जाता है, और रत्नात्रय को ही आचार्य भगवंतों ने मोक्ष मार्ग कहा है। द्वैत और अद्वैत एक इनको ले लें और एक अनेकांत धर्म को ले लें तो उसमें सब कुछ गर्भित हो जाता है। एक पहिया है द्वैत का और एक पहिया है अद्वैत का। अब दोनों पहिया है और दोनों पहियों को धड़का दो तो क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं। ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा? वो जाके गिर जाएगा। लेकिन जब पहियों के बीच में एक धुरा लग जाता है तो वह आचार्य भगवान कहते हैं वह रत्नात्रय का धुरा है। उस धुरे में दोनों पहिये फंस जाते हैं तो फिर वहाँ पर सर्व कार्यों की सिद्धि हो जाती है। इसी का नाम है अनेकांत धर्म, और अनेकांत धर्म को मानने वाले सभी जीवों के कल्याण की भावना रखते हैं। उसी को सार्वधर्म कहा है जो सभी प्राणियों के कल्याण की भावना रखता है। कुछ लोग ये कहते हैं यह एक विश्व व्यापार है। विश्व क्या है? इस विश्व को व्यापार बना दिया है। ये विश्व एक व्यापार है जिसमें मनुष्यों को जीने का अधिकार है, और प्राणियों को लिए पशुओं का वध करते चले जा रहे हैं। लेकिन अनेकांत धर्म कहता है कि यह एक विश्व एक परिवार है जहां प्राणी मात्र को जीने का अधिकार है, और जहां प्राणियों के लिए सभी प्राणियों के लिए जीने का अधिकार दिया जाता है विश्व धर्म कहलाता है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा परस्परोपग्रहो जीवानाम। इस सूत्र को आत्मसात करते चले जाते हैं और एक दूसरे के कार्य होते चले जाते हैं।
जैसे भैया जी ने अपनी भावना रखी, भैया जी को रखने की आवश्यकता नहीं है भावना, क्योंकि भैया जी ने आप लोगों के कई काम कराए हैं, और आपके ही नहीं, जहाँ जहाँ लोगों ने बुलाया है और उन सबके कार्य सिद्ध हो गए हैं। तो जब जिसने सबके सिद्ध कार्य किए हैं तो सब मिलकर के उनके कार्य को भी सिद्धि प्रदान कर देंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। जहाँ गुरुदेव का आशीर्वाद हो जाता है, आपकी जो भावना होगी सारी पूरी होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। बस भावना हमेशा अच्छी रखना, उस परोपकार में भी अपनी भावना अच्छी होना चाहिए, मात्र अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसमें भी एक परमार्थ की दृष्टि होना चाहिए। और पंच कल्याणक जब भी होते हैं वह उसमें परमार्थ की ही दृष्टि रहती है, स्वार्थ की नहीं। जिनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे गांव में भी लोग कहते हैं हमें पंच कल्याण करना है, बस आशीर्वाद गुरु जी का मिलता है, कुछ भी नहीं है। आसपास के लोग कहते हैं हम खड़े हैं। 18 घर की समाज थी, जब संघ से पृथक हमारा चतुर्मास हुआ और उसमें उन लोगों ने भावना बनाई और एक अच्छे जिनालय का निर्माण किया, और पंच कल्याणक की भावना के साथ गुरु जी का आशीर्वाद लेके आए, और 18 घर की समाज ने वहाँ पर जब पंच कल्याणक किया तो अद्वितीय पंच कल्याणक वह हुआ। अब सोचें, विचार करें, हम लोग 6 महाराज थे और 6 तो चौके ही लगना है, अब बचे कितने? 12 बचे, और 12 में अब पात्र कितने हैं आप समझ सकते हैं, वे ही एक्टर, वे ही डायरेक्टर, वे ही सब व्यवस्था बनाने वाले। और ऐसा भव्य पंच कल्याणक हुआ कि वहाँ पर एक कील भी इधर उधर नहीं हुई, उससे उस गांव से जुड़े हुए कितने सैकड़ों या 60 ऐसे कितने गांव थे, और जिस दिन फेरी हुई तो ओर छोर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, 60,000 की पब्लिक वहाँ पर, ऐसा अंदाज लगाया था। एक छोटे से गांव की बात है, इस पंच का, हाँ ये तो महानगर है, और महानगर में कितने नगर हैं, और सभी नगरों में हम भगवान के जिनालय के दर्शन करके आए। सबकी प्यास है, सबकी भावना है, महाराज हम एक दो दिन में संतुष्ट नहीं हैं, हमारे लिए तो सबको चाहिए। अब इतने मान लो 120 जिनालय हैं, सुनते हैं 120-125, और सब जगह अगर मान लो 3-3 दिन भी दें तो पूरी एक वर्ष पूरा चाहिए, 3-3 दिन भी दे दें तो एक वर्ष पूरे 365 दिन चाहिए, ऐसी स्थिति होती है। और कहते हैं कि लोगों के अंदर प्यास बहुत है, हमारी तो भावना है कि आचार्य श्री जी ऐसे ही बहुत सारे अपने छोटे छोटे संघ बना करके, और इंदौर में जितने महानगर में नगर हैं सब में एक बार भर दें, तो भी इनको संतुष्टि होने वाली नहीं है। लेकिन ये कार्य हो नहीं सकता, इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं सब लोग एकता के सूत्र में बन जाओ, और पूरा का पूरा इंदौर मिलकर के एक निर्णय ले लो कि एक स्थान पर हम इन महाराज का चातुर्मास कराएंगे, और पूरा का पूरा इंदौर उसमें भाग लेकर के लाभ लेगा। अब चाहे वो समूसर मंदिर हो, चाहे विजयनगर हो, चाहे तिलक नगर हो, कोई भी हो, सब ने अगर एक बार निर्णय ले लिया तो फिर सभी लोग वहाँ लेकर के आओ, और अपनी अपनी झोलियाँ भर करके ले जाओ, सब संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जहाँ स्वार्थ के दायरे में हम बन जाते हैं तो फिर उसी कॉलोनी के लोग लाभ ले पाते हैं, फिर सब नहीं लेते।
इसलिए समोसण की व्यवस्था भी ऐसी होती है। उसमें चारों तरफ क्या बनाए जाते हैं, चारों तरफ सीढ़ियां बनाई जाती हैं कि किसी भी दिशा से आप आ जाओ और आ करके समोसण में आप अपना स्थान प्राप्त कर। पांच उंगलियां हैं, ये पांच उंगलियां हैं जिसमें चार उंगलियां हैं और एक को अलग बोलते हैं। अब इन चारों में आपस में विवाद हो गया और सब कहते हैं हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। जब विवाद हुआ तो विवाद वह सुलझ नहीं रहा था तो निर्णय लिया कि चलो अंगूठे दादा के पास, वो ही हमारा फैसला करेंगे। और सबने अपना अपना कहा कि हम बड़े, हम बड़े हैं, आप ही निर्णय कर दो कौन बड़ा है। तो अंगूठे दादा कहने लगे पहले अपनी अपनी विशेषता बताओ, अपने अपने गुण बताओ, फिर मैं निर्णय लूँगा कौन बड़ा है। सबसे पहले तर्जनी का नंबर आया। वो तर्जनी कहती है मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मैं सबको निर्देशित करती हूँ, सबको मार्ग बताती हूँ, मेरे ही निर्देशन में सब लोग चलते हैं, मेरे बिना कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं बड़ी हूँ। सुन लिया। अब नंबर आ गया मध्यमा का, तो मध्यमा कहती है कि मुझे कहने की क्या ज़रूरत है मैं तो आप देख लो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो स्वयं में बड़ी हूं। और जब भी वीणा बजाई जाती है तो मेरी ही उंगली का प्रयोग किया जाता है और मैं सबको मधुर संगीत सुनाती है। अब नंबर आ गया अनामिका का, तो अनामिका कहती है कि जितने भी धार्मिक शुभ अनुष्ठान होते हैं वो मेरे द्वारा ही होते हैं, और धर्मात्मा इन पांचों में भी मैं धर्मात्मा तो मैं ही हूँ। वो कहते हैं धर्मात्मा तो सबसे बड़ा